हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा। आज की जीएमयू और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आप लोग देख लिए होंगे, हमने की हालांकि एक वीडियो बना दिया उसके ऊपर। आप लोग ऐसा कर लीजिए, आप अपना कमेंट में जो है अपना नंबर बता दीजिए। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है कट ऑफ केजीएमयू का जो अटल बिहारी वाजपेयी का पिछली बार 150 प्लस कट ऑफ गया था, इस बार कम ही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ कम रीजन जाने का है कि लग रहा है कि पेपर टफ आ गया हो, स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो बात कंफर्म है। कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए लेकिन कट ऑफ कम जा रहा है। तो कट ऑफ कम जाने का रीजन ये है कि पेपर का लेवल ऐसा लग रहा है कि टफ है, लेकिन हमने पेपर का लेवल देखा तो पेपर का लेवल उतना टफ नहीं है। फिलहाल आप लोग जो है हो सकता है प्रिपरेशन स्टूडेंट की ना रही हो, क्योंकि अचानक जो है आ गया कि एग्जाम डेट आ गई, जैसे सीपी नेट की एग्जाम डेट अचानक आ गई थी तो स्टूडेंट को पता नहीं चल पाया। एक हफ्ते 15 दिन पहले एग्जाम डेट आई हुई थी, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं कि हमारे इतने नंबर हैं जिससे कट ऑफ क्लियर डिस्कस हो सके, क्योंकि कट ऑफ इस बार हमको लग रहा है कि 140 जाएगा। 100 पिछली बार 100 लगभग 52-53 पे 50 मिल गया था माप अपराउंड में, इस बार लगता है 140 जाएगा। लेकिन आप लोग एक बार प्लीज बता देंगे तो उससे क्लियर कट पता चल जाएगा कि कितना जो है कट ऑफ जाएगा केजीएमयू बीएससी नर्सिंग का। हालांकि केजीएमयू का कट ऑफ कम ही जाता था, लेकिन केजीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी से मर्ज हो गई आपको पता है, तो इसलिए आप लोग अगर बता देंगे तो इससे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन का पता हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और उसकी काउंसलिंग 10 से 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट के लिए हालांकि एक वीडियो आपकी बन जाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, वीडियो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हमने अभी लगभग 40 से 50 कमेंट आए हैं, तो हमने देखा कि स्टूडेंट के नंबर काफी कम आ रहे हैं। जो ठीक ठाक अच्छे स्टूडेंट थे, जिनके पिछले साल ठीक ठाक नंबर आया था, 149-148 नंबर आए थे, उनके कम नंबर आ रहे हैं, उनके 140 नंबर आ रहे हैं, 142 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो 10 नंबर का डिफरेंस है, 8 नंबर का डिफरेंस है, डिफरेंस काफी जो है मायने रखता है इस बार अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और डॉक्यूमेंट आप लोग अपना प्रिपेयर कर लीजिए जो स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, क्योंकि आपको पता है कि एक ही काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो रहा है। इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर और सारी चीजें कर लीजिए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। 10 से 15 दिन काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो पे बना रखी है, चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियो है 2022 की, उसको आप देख सकते हैं। 2021 की भी कुछ वीडियो है, क्योंकि बार बार वीडियो एक ही वीडियो बनाना हर साल ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वही वीडियो रिपीट करना, इसलिए आप चैनल पे जाके जो है देख सकते हैं, चैनल पे सारी चीजें बताई गई है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और आशा करते हैं आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ। यूट्यूब की हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और अब देख रहे हैं ये अच्छा खासा व्यूज वगैरह और चैनल सर्चिंग पे जा रहा है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग काउंसलिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। थैंक यू।